बच्चे बड़ों ही से सीखते हैं, ये जिस सियाने का भी कौल है ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त बच्चे और बच्चियां, छोटी छोटी मासूम बच्चे और बच्चियां शजरकारी में हिस्सा ले रही हैं। ये देखें, ये प्यारी सी पुल सी बच्ची कितनी मेहनत के साथ जो है पौधे लगा रही है, उनको पानी दे रही है, और किस जज्बे और इसका जो उसका जुनून है और ये जो डेडिकेशन है इसका साथ आप देखें और ये देख लें। तो यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप बच्चों को एक अच्छे काम पे लगाएं या ख़ुद अच्छा काम करें जैसे शजरकारी का, तो इसमें बच्चे बहुत जल्द सीख जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, उनको एक एक्टिविटी मिल जाती है, पास टाइम मिल जाता है, वो अपना आप मुफीद फील करते हैं, यूज़फुल, और उस काम में आपके साथ लग जाते हैं। आज गर्मी भी ज़्यादा थी लेकिन इसके बावजूद अल-फारूक शिनवारी हैकिंग क्लब की इस शजरकारी मुहिम में इस तमाम बच्चों और बच्चियों ने गांव के अपने 40 साल पुराने उजड़े हुए लाला बाग को संवारने, सजारने में, इसको सेट करने में, हमवार करने में, बीज बोने में और पौधे लगाने में अल-फारूक शिनवारी हैकिंग क्लब का भरपूर साथ दिया, जो वाकई इन बच्चियों को देख के और उनके जज्बे को देख कर, इन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा हमें। और यही हमें करना चाहिए कि इनको ऐसी ही तरबियत और ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो पौधों की, प्लांटेशन की अहमियत से भी आगाह हो सके और इस काम में अपना हिस्सा डालकर वो उसको एंजॉय भी कर सकें। अल-फारूक शिनवारी हाइकिंग क्लब ने साल 2021 में शजरकारी का जो महम का आगाज़ किया और उसमें जो दिलचस्प बात रही वो ये रही कि छोटे बच्चों ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया। इस वक्त भी आप छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को, ख़ासकर बच्चियों को देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत से लगे हुए हैं और पौधे लगा रहे हैं। हमने उनको ट्रेन किया है और अब ये बीज भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। और इस वक्त ये 40 साल पुराने तारीखी लाला बाग जो उजड़ गया था उसमें ये बीज भी लगा रहे हैं बच्चे कामयाबी के साथ, और साथ साथ पौधे भी लगा रहे हैं, उनको पानी भी दे रहे हैं, उनको गोड़ भी कर रहे हैं। और इस तरह हसीन लुआड़ गए कि इस मिशन में अल-फारूक शिनवारी हैकिंग क्लब के साथ साथ लंडी कोतल डिस्ट्रिक्ट खैबर के बच्चों और बच्चियों का रोल हमेशा याद रखा जाएगा। और जब भी ये बाग फिर से आबाद होगा तो इन बच्चियों और बच्चों का ज़िक्र इसमें ज़रूर आएगा। अगर बच्चों में ये एहसास पैदा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।